Your sorrow will turn into joy. After 8 years, she is walking. Look at her smiling. She is full of joy. अपने सपनों की उड़ान भरिए कारुण्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के संग अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी की डिग्री के लिए ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमारी वेबसाइट www.karunya.edu पर जाइए या हमें admissions@karunya.edu पर ईमेल कीजिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए द डायरेक्टर एडमिशंस KITS कारुण्य नगर कोयम्बटूर 641114 तमिल नाडु इंडिया या फिर हमें फोन कीजिए 1800-425-4300 या 0422-236-3636 पर। My beloved friends, today I wish you all a happy day and a happy journey along with Christ. मेरे प्यारे दोस्तों, मसीह के साथ में यात्रा में और इस दिन के लिए मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ। It's a happy journey to have Jesus with us and talking to him and walking with him. ये तो बड़ी खुशी की यात्रा है कि यीशु हमारे साथ में है और हम प्रभु यीशु से बातें करते हैं, उसके साथ चलते हैं। Even today I am going to explain to you how we can walk a closer walk with the Lord. और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम कैसे प्रभु के साथ में करीबी रूप में चलेंगे। If you read Psalm 2:12, it says, "Blessed are those who put their complete trust upon the Lord." और अगर आप भजन संहिता अध्याय 2:12 पढ़ते हैं, तो ये कहता है, धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। Yes, my friends, talking to Him and walking with Him and putting all our trust upon Him will give us a blessed Christian life. और अगर हम उसके साथ में चलेंगे, उसके साथ बात करेंगे, तो हम धन्य मसीह जीवन जिएंगे। Many of us do not know that blessing. और बहुत से लोग जो है वो तो इस आशीष को नहीं जानते हैं। We don't rely upon God 100%. हम 100% पूरी रीति से परमेश्वर पर आधारित नहीं रहते हैं। When a problem comes, what do we say? और जब समस्या आती है तो हम क्या कहते हैं? Let me go to this person, let me go to that person, he will help me. वो हम कहते हैं चलो मैं इसके पास जाता हूँ, उसके पास जाता हूँ, वो मेरी मदद करेंगे। Yes, we rely upon men. हाँ, हम मनुष्यों पर आधारित रहते हैं। Men of this world. इस संसार के मनुष्यों पर। Miserably we fail so many times. और कई बार हम भयानक रीति से असफल होते हैं। But my friends. लेकिन मेरे दोस्तों, from my own experience, let me tell you, मैं अपने अनुभव से मैं आपको बताना चाहती हूँ। If you put your complete trust upon God, अगर आप पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं, He will never cheat you. तो वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। He will help you at all times. वो हमेशा आपकी मदद करेंगे। John 15:4 says, यूहन्ना 15:4 कहता है, The Lord says, abide in me, and I will abide in you. प्रभु यहाँ पर कहते हैं तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूँगा। This is what having a close communion with the Lord. और यही तो परमेश्वर के साथ में नजदीकी संगति है। Now check up your life. अब अपने जीवन को जांचिए। Do you have such a close walk with the Lord? क्या आपका परमेश्वर के साथ में इतना नजदीकी का चलना है? 10% or 20%? या केवल 10% या 20% है? Check up your life. अपने जीवन को जांचिए। Right now. अभी इसी समय, Open your heart widely, अपने हृदय को पूरा खोल दीजिए। And ask Jesus to come into your heart. और यीशु को अपने दिल में आने के लिए कहिए। Accept him as your savior. उसे अपने उद्धारक के रूप में स्वीकार कीजिए। What he will do? वो क्या करेंगे? He will abide in you. तो वो आप में बने रहेंगे। And you can abide in him. और आप उसमें बने रह सकेंगे। This is what is having a close communion with the Lord. और यही तो प्रभु के साथ में नजदीकी संगति रखना है। First John chapter 1 verse 3 if you read. पहला यूहन्ना अध्याय 1:3 अगर आप पढ़ते हैं। Apostle John explains his fellowship with the Lord. यहाँ पर प्रेरित जो यूहन्ना है, वो तो अपनी प्रभु के साथ की संगति के बारे में बताता है। Gloriously, he is living with the Lord. और वो तो महिमा में रूप में प्रभु के साथ में रहता है। Same thing can happen in your life too. और आपके जीवन में भी बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। How he will transform your life. और वो कैसे आपके जीवन को बदल देंगे। Read Ephesians chapter 4 verses 22 to 24. यहाँ पर देखिए इफिसियों अध्याय 4 वचन 22 से लेकर वचन 24 तक पढ़ते हैं। Verse 22 says, "You put off concerning your former conduct the old man, which grows corrupt according to the deceitful lust." वचन 22 कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। Our lives, our hearts are filled with the lusts of the world. हमारा जीवन, हमारी जो इच्छाएं हैं वो तो संसार की अभिलाषाओं से भरी होती हैं। Lust of the flesh. शरीर की अभिलाषाओं से भरी होती हैं। And the pride of life. और जीविका के घमंड से भरी होती हैं। First John 2:26 says like that. पहला यूहन्ना 2:26 इसी तरह से कहता है। So we should not give place to these three things. और इसलिए हमें इन तीन चीजों को कोई जगह नहीं देनी है। When Jesus enters into your heart as a savior and cleans your life will be transformed. जब यीशु मसीह उद्धारक के रूप में आपके दिल में प्रवेश करते हैं और आपको उद्धार देते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। And Ephesians 4:23 says. इफिसियों 4:23 ये कहता है You'll be renewed in the spirit of your mind. और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए होते जाओ। And verse 24 says, और वचन 24 कहता है You'll become a new man. और तुम नए मनुष्यत्व बन जाओ। All the old unwanted sins, unwanted thoughts, unwanted life will be gone forever. और सारे जो अनचाहे पाप, अनचाहा जो जीवन है वो तो हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। Then you can abide with the Lord. और तब आप प्रभु के साथ में वास कर पाएंगे। The Lord Jesus Christ says, प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, I and my Father are one. कि मैं और मेरा पिता एक हैं। John 10:30, you can read that. यूहन्ना अध्याय 10 वचन 30 में आप इसे पढ़ सकते हैं। The same experience you must have, my brother, my sister. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको यही अनुभव पाना होगा। Having fellowship with all the drunkards. और सारे शराबियों के साथ में मित्रता रखना। Having fellowship with all the unwanted ladies. और सारे अनचाही स्त्रियों के साथ में संगति रखना। Wasting all your time in talking and talking, unnecessary talking and fighting at the end. और बेकार में आखिर में ऐसा होता है कि आप बेकार में बातें करते रहते और आखिरकार झगड़ते हैं। No, my precious sisters and brothers. नहीं मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों। Ask the Lord to come enter into your heart. आप प्रभु से कहिए कि वो आपके जीवन में आ जाए। Then it will be easy for you to ask Him whatever you want. तो फिर आपके लिए बहुत ही आसान होगा कि आपको जो भी चाहिए आप उससे मांग लें। The Lord wants to enter into your heart. प्रभु आपके दिल में प्रवेश करना चाहते हैं। 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 कहता है। Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। All things will pass away. पुरानी बातें बीत गई हैं। All things will become new. देखो सब बातें नई हो गई हैं। All things will become new. देखो ये सब कुछ नया हो जाएगा। You'll become a new person. आप एक नए व्यक्ति हो जाएंगे। You'll be born in Christ. आप मसीह में जन्म लेंगे। Christ will enter into your heart. और मसीह यीशु आपके दिल में प्रवेश करेंगे। He will say, आप कहेंगे, This is my child. और वो कहेंगे ये मेरी संतान है। Bought by my blood shed on the cross. क्रूस पर मैंने जो लहू बहाया उससे इन्हें खरीदा गया है। Yes, He will cleanse you with His precious blood which He shed on the cross. उसने बहुमूल्य लहू जो क्रूस पर बहाया उसके द्वारा वो आपको खरीद लेंगे। David says in Psalm 23 verse 1. भजन 23:1 में कहता है। The Lord is my shepherd. कि यहोवा मेरा चरवाहा है। The Lord will be your shepherd. प्रभु आपके चरवाहे होंगे। You will be also saying, The Lord is my shepherd. Why should I worry? और आप यही कहेंगे कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मैं क्यों चिंता करूं? And Psalm 91:1 and 2 we read. भजन 91 वचन 1 और 2 में हम पढ़ते हैं। We will dwell in the sacred places of the Most High. हम उस सर्वोच्च परमेश्वर के गुप्त स्थानों में वास करेंगे। And will say, Lord, you are my refuge and fortress. और हम यही कहेंगे कि हे परमेश्वर, तुम मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। You are my God and I will trust in you. वो मेरा परमेश्वर है, तो मेरा परमेश्वर मैं उस पर भरोसा रखूंगा। Yes, my friends. हाँ मेरे दोस्तों, when you have such a close walk with the Lord, जब आप परमेश्वर के साथ इतनी नजदीकी में चलते हैं, you can put all your trust upon Him. अपना सारा भरोसा उस पर रखते हैं. Whenever problem comes, जब भी समस्याएं आती हैं, in your body, आपके शरीर, in your soul, आपके प्राण, in your mind, आपके मन में, don't go to any friend, तो आप किसी दोस्तों के पास मत जाइए. Don't go to any relative, आप किसी रिश्तेदारों के पास मत जाइए. Anybody, किसी के भी पास. Trust only God. बस केवल परमेश्वर पर भरोसा रखिए. Put your complete trust upon God. अपना पूरा भरोसा प्रभु पर रखिए. In the Bible we see about a man called Zacchaeus. बाइबल में हम जक्कई नाम के मनुष्य के बारे में देखते हैं. He never knew anything about Jesus Christ. वो तो यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं जानता था. How he can have peace and joy by accepting him as his savior. कि उसे अपने उद्धारक के रूप में स्वीकार करने के द्वारा वो कैसे शांति और आनंद पा सकता है. He was a tax collector. वो तो चुंगी लेने वाला था. All the time he was worried about money. Money, how can I collect more money? और वो तो हमेशा बस यही चिंता करता था कि मैं कैसे और पैसा कमा सकता हूँ. And what happened in his life? और फिर उसके जीवन में क्या हुआ? One day the Lord Jesus Christ passed by the place where he was living. एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह उस जगह से होकर जा रहे थे जहाँ पर जक्कई रहता था, they were all gone to see him. सारे लोग उसे देखने के लिए आए. This man also said, why not I also go and see him? तो इस जक्कई ने कहा कि मैं भी जाकर उसे देखना चाहता. But he was a small man. लेकिन वो तो नाटा था. People were standing. लोग खड़े थे. Could not see him. वो यीशु को नहीं देख पा रहा. So he climbed up a sycamore tree. तो फिर वो वहाँ पर गूलर के पेड़ पर चढ़ता है. And was sitting there. और वहाँ पर बैठ जाता. Watching him. उसे यीशु को देखने. He came closer to the tree. और जब यीशु उस पेड़ के करीब आए, and Jesus knew the heart of that small man. और यीशु उस नाटे व्यक्ति के दिल को समझ गए. The desire he had, Zacchaeus had, to see Jesus made him receive a great blessing from the Lord. ये इच्छा जो जक्कई में थी कि वो प्रभु यीशु को देखना चाहता है, उसके कारण उसने बड़ी आशीषों को प्राप्त किया. Jesus looked into his heart. यीशु ने उसके दिल को देखा. This man has a desire to see me. और उसने सोचा कि इस मनुष्य के अंदर मुझे देखने की बड़ी इच्छा. He came just under the tree. और वो तो बिल्कुल उस पेड़ के नीचे आया. Call him by his name. और उसका नाम लेकर उसे पुकारा. That was the first time Jesus saw that man. ये तो पहली बार था जब यीशु ने उस जक्कई को आमने सामने देखा था. But he knew his heart's desire. लेकिन वो उसके दिल के इच्छा को जानते थे. My friends, मेरे दोस्तों, same thing with you. आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा. You may have a small desire to follow Jesus. आप में छोटी सी इच्छा है कि आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं. God will be pleased with you. परमेश्वर आपसे प्रसन्न होंगे. He will bring you closer to Him. वो आपको अपने करीब लेकर आएंगे. So Jesus said to this Zacchaeus. और इसलिए यीशु ने इस जक्कई से कहा, Zacchaeus, come down quickly. जक्कई जल्दी से नीचे उतरा. I want to come to your home and stay with you. मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ, तेरे साथ में रहना चाहता हूँ. See the heart of Jesus. यीशु के दिल को देखिए. What a great love he has towards us. उसने हमारे लिए कितना महान प्रेम रखा है. Zacchaeus was not a holy man. जक्कई तो कोई पवित्र व्यक्ति नहीं था. He was all the time worried about money, money, money. और वो तो केवल हर समय पैसा, पैसा, पैसा ही सोचता था. But as he had a little desire to see Jesus. लेकिन जैसे उसके अंदर छोटी इच्छा थी कि वो यीशु को देखे. Jesus was pleased with him. यीशु उससे प्रसन्न हो गया. And he said. और उसने कहा, Let me give him all the blessing I can. और मैं जो कोई आशीष से दे सकता हूँ सारी आशीषें से दूंगा. Zacchaeus was very happy. जक्कई बहुत खुश था. He came down quickly. वो जल्दी से नीचे उतरा. Took Jesus to his home. और यीशु को अपने घर ले गया. And not only that. और केवल इतना ही नहीं. He confessed all the sinful things he did. और उसने जितने भी पाप किए थे उन सारी पाप में बातों को उसने अंगीकार किया. Jesus Christ in His great mercy forgave all that He has done, all the sinful things He has done, and said, "I am going to bless you as a family with my salvation." प्रभु यीशु मसीह ने उसके सारे पाप में बातों को माफ कर दिया. उसने कहा कि मैं अपने उद्धार से तुझे आशीष दूंगा. And the whole family came to Jesus Christ. और पूरा परिवार प्रभु यीशु के पास आया. They accepted him as their savior. उन्होंने उसे अपने उद्धारक के रूप में स्वीकार किया. What a great thing God did, you know? जानते हैं परमेश्वर ने कितना महान काम किया. The same Jesus is alive today. वही यीशु आज जीवित है. My friends, If you have a small interest to follow Jesus with all your heart, God who knows your heart's desire will fill you with all His blessings, more than what you think or desire in your heart. And He is in you, with you. Whatever you ask, in His name, God will supply every need. That's what we read in Philippians 4:19. God shall supply all your need according to His riches in glory through Christ Jesus. This is a promise of God. Whatever you need, just talk to the Lord. Yes, you can talk to Him and walk with Him. I had a terrible problem in my life. I have told this many times. My husband was about to die. We were walking through the valley of death. And the Lord came and helped me to come out of that problem. I knelt down and cried unto Him. Father, there is nobody to help me. If you take away my husband's life, where can I go? No one to love me. No one to care for me. I spoke to Him. You speak to Him. Kneel down first. And then you explain all your problems before the Lord. And ask Him to help you. Help me, Father. Where can I go? You are my only hope. I am abiding in you. My life is in your hands. Come and help me. Father, release me from all these problems I am facing. I cried out for my husband's health. The Lord heard my cry. And He healed my husband. It's a terrible disease. And God put His hand upon him. When I trusted completely upon Him, He removed all the problems. He will do the same thing to you. It may be a big problem or a small one. Whatever it is, if your husband is not looking after you in the way he has to do, and if you are going through any other problem, kneel down. Don't go here and there and waste your time. Look unto God. Look unto God and trust Him and put all your requests before Him. All the sorrow, all the agony, and God will take care of you. He will remove every problem, give you peace, joy. He will deliver you from all your problems. What a good Lord we have. My brother, my sister, don't be worried. Are you growing through problems? Kneel down. Now we will give everything in the hands of God. And He will supply peace. Joy. He will deliver you from all your worries. You receive all God's abundant blessings. Shall we pray? Precious Heavenly Father, thank you, Lord, for your love towards us. Even though we are sinners, O Father, You came to this world, suffered on the cross, and shed your blood, and made us receive this blessing, the salvation, coming out of all our sinful habits, and having you as our Savior. A Savior. Lord, you want to save us from all sinful addictions and habits. प्रभु आप हमें सारे पाप में आदतों से और बुरी लतों से छुड़ाना चाहते हैं. Right now, look into the hearts of all the people who are praying. और पिता अभी इस समय जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं इनके दिलों को देखिए. Father, take away all the sinful addictions. पिता इन सारे पाप में बुरी लतों को दूर कीजिए. Every addiction. हर एक बुरी लत. Lord, your blood wash them right now. प्रभु अपने लहू से इन्हें धोकर शुद्ध कीजिए. Let them start abiding in you. और ये आप में बने रहने वाले हो. Let them be united with you. ये आपके साथ में एक हो जाएं. Let them have communion with you. ये आपके साथ में संगति रखने वाले. Let them have fellowship with you and you alone, O Father. ये पिता ये केवल आपके साथ और आपके साथ संगति. Do a miracle in their lives. इनके जीवन में चमत्कार कीजिए. Let them be renewed in their spirit. और ये अपनी आत्मा में बिल्कुल नए हो जाएं. Father, have mercy upon your children. ये पिता अपनी संतानों पर दया कीजिए. Lord, forgive all the trespasses. और प्रभु इनके सारे अपराधों को क्षमा कीजिए. Cleanse them, Father, with your precious blood right now. अभी इसी समय पिता अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा abide in your children. इन्हें शुद्ध कीजिए, इनमें वास कीजिए. Abide in the hearts of your children. अपने संतानों के दिल में वास कीजिए. Abide in the homes of your children. अपने संतानों के घर में वास कीजिए. Make their lives a precious one. और प्रभु इनके जीवन को अनमोल बनाइए. Filled with the presence of God. इन्हें परमेश्वर की उपस्थिति से भर दीजिए. Let them all understand your love. और ये आपके प्रेम को समझने वाले बने. Let them carefully follow your ways, O Father. और हे पिता ये बड़े सावधानी से आपके मार्ग पर चलने वाले बने. Give them grace to prove their complete trust upon you. प्रभु इन पर अनुग्रह कीजिए कि ये अपना पूरा भरोसा आप पर रखें और इन्हें शुद्ध कीजिए. Give them new life. इन्हें नया जीवन दीजिए. And hear the cry. और इनकी पुकार को सुनिए. Whatever prayer they are praying, Master. ये जो भी प्रार्थना कर रहे हैं स्वामी. Answer every prayer. हर एक प्रार्थना का उत्तर दीजिए. As they put their complete trust upon you. जैसे ये आप पर पूरा भरोसा रखते हैं. Deliver them from all the worries and cares. हे पिता इन्हें प्रभु इन्हें सारी चिंता और परेशानी से छुड़ाइए प्रभु. Answer every problem. और हर एक समस्या का उत्तर दीजिए. Father. पिता. Do this miracle. ऐसा चमत्कार. Do this miracle right now. ऐसा अभी चमत्कार कीजिए. Let everybody who is watching this program open their hearts and accept you as their savior. हर एक व्यक्ति जो ये प्रोग्राम देख रहा है अपने दिल को खोले और आपको उद्धारकर्ता स्वीकार करे. Bless them, Lord. इन्हें आशीष दीजिए. Supply all their needs. इनकी सारी जरूरतें पूरी कीजिए. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करें. Amen. ये दर्शकों क्या आप अपने जीवन में एक संतान ना होने के कारण परेशान हैं और अपने विश्वास को खो रहे हैं? तो आज आप निराश ना हो. अपने विश्वास को फिर से जगाने को पूरे विश्वास के साथ इस बहन की गवाही को सुने. मेरा नाम एल्विना नेताशा मेन है. मैं रांची से हूँ और मैं टीचर हूँ. शादी के बाद जैसे कि हर लड़की और हर पति पत्नी चाहते हैं कि उनका एक अपना बेबी हो, लेकिन मेरे जीवन में वो जैसे आजकल एक बहुत बड़ी आम प्रॉब्लम है कंसीविंग नहीं करना और उससे रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं आती हैं. तो वो मेरे साथ भी हो रही थी और डॉक्टर के ट्रीटमेंट में मैं थी और मुझे 800 mg का जो दवा था जो मुझे सुबह से लेके रात तक 4 बार लेना पड़ता था, तो उसके कारण मेरा शरीर बहुत ज़्यादा वीक हो गया था. और जब 2009 में जब मैंने देखा कि 1 साल होने के बाद भी मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं बहुत निराश और हताश हो गई थी. सुबह में जो सब टीवी में जो जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री का जो प्रोग्राम देता है मैं उसे हमें हर दिन देखती थी. तो उस दिन भी मैं एक दिन देख रही थी. अगस्त का महीना था 2009. स्टेला आंटी हन्ना और उनसे जुड़ी बातों को वो बता रही थी और मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी. जब उन्होंने उसके बांझपन को लेके बताया और कहा कि वो प्रभु ने उन्हें आशीष दी और किस तरह उनका पुत्र सैम की पैदा मतलब वो उनका पैदा होना एक बहुत बड़ा आश्चर्यकर्म था, तो मेरे अंदर भी वो आशा जगी और मैंने अपने पति को उस बात को शेयर किया. और स्टेला दिनाकरन जब प्रेयर कर रही थी तो मैं उनके साथ उस प्रेयर में शामिल भी हुई. Let your mercy and grace fall upon everyone. उन्होंने आपकी दया और करुणा हर एक के ऊपर आ जाए. 2 दिन पहले मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ. मैं यहाँ आने के बाद डॉक्टर के पास नहीं गई. मैं सबसे पहले ईश्वर को प्रभु को धन्यवाद दी और मैं जीसस कॉल्स प्रेयर टावर रांची में गई. वहाँ के प्रेयर वैरियर्स को सुन के बहुत खुश हुए और मैंने प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया और मैंने डॉक्टर के पास जाके मैंने डॉक्टर ने मुझे चेक नहीं किया, लेकिन डॉक्टर ने मेरे बातों को सुनने के बाद वो उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ। और पूरे 9 महीने मैं विश्वास के साथ हर महीने प्रेयर टावर जाती थी, अपने ऊपर प्रेयर करवाती थी और प्रभु ने मुझे एक सुंदर सी प्यारी सी बेटी पर्ल के रूप में आशीष दी जो आज 6 साल की हो गई है। आज मेरे पास एक नहीं 2 सुंदर बेटियां हैं, पर्ल और ओपल। ओपल जो 2 साल की है, प्रभु ने मुझे आशीष दी, एक सुंदर परिवार दिया, एक अच्छा पति दिया। तहे दिल से मैं जीसस कॉल्स प्रेयर मिनिस्ट्री का धन्यवाद देती हूँ। यीशु बुलाता है, अभी भी खुला है, उन लोगों की सेवा के लिए तत्पर है जो टेलीफोन प्रेयर टावर पर फोन करते हैं या ईमेल भेजते हैं। टीवी प्रोग्राम और सोशल मीडिया के द्वारा ये सेवकाई निरंतर जारी है। आप हमारी सेवकाई से सबसे उत्तम और तत्पर सेवा के लिए निश्चित हो जाइए। अभी इस मुश्किल की घड़ी में आपकी सहायता और उदार भेंटों के द्वारा ही आप हमें अगणित लोगों की मदद करने के लिए योग्य बनाते हैं। आप ऑनलाइन डोनेट कर सकते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट्स का उपयोग करते हुए www.jesuscalls.org पर जाइए। गूगल प्ले स्टोर से जीसस कॉल्स मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। मोबाइल ऐप के माध्यम से आप अपनी भेंट भेज सकते हैं, यूपीआई द्वारा भेंट भेज सकते हैं। इस तरह आप QR कोड को स्कैन करके जीसस कॉल्स को भेंट भेज सकते हैं। भारत QR इनेबल्ड मोबाइल एप्लीकेशन खोलिए, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या BHIM जैसी एप्स। इसे खोलकर पासकोड एंटर कीजिए, स्कैन और पे थ्रू QR पर क्लिक कीजिए तो एप्लीकेशन में QR स्कैनर खुल जाएगा। फिर जीसस कॉल्स के QR कोड को स्कैन कीजिए, डोनेशन अमाउंट और रिमार्क्स एंटर कीजिए और फिर पे पर क्लिक कीजिए। इस ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए अपना UPI पिन एंटर कीजिए और ट्रांजैक्शन सक्सेस होने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए बेनिफिशियरी नाम लिखिए, जीसस कॉल्स और अकाउंट नंबर डालिए 000901056144। बैंक ICICI बैंक लिमिटेड, नुंगम्बाकम ब्रांच, चेन्नई 6000334। IFS कोड ICIC 000009। जो डोनेशन सीधे बैंक को भेजे गए हैं उसका विवरण ईमेल आईडी के द्वारा हमें भेजिए admin@jesuscalls.org पर या partnercare@jesuscalls.org पर। जब आप ऐसा करेंगे तो आप आशीषों का स्रोत हो जाएंगे। आपका प्रतिफल तो प्रभु से है। Mrs. Relina Austin Christian from Ahmedabad, Gujarat. Happy 85th birthday. Mrs. Relina Austin Christian, Ahmedabad से आपका 85वां जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। Dear mother, God bless you according to Psalm 92 and verse 14. They will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green. भजन संहिता 92:14 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे। वो बुढ़ापे में भी फलवंत होंगे, हमेशा तरोताजा और हरे भरे रहेंगे। Father, bless our dear mother with perfect health. Heal the paralysis. Let her organs function normally in Jesus' name. Let her have peace. Let her have strength. Let her have your presence. पिता, हमारी प्यारी माताजी को पूरी तंदुरुस्ती दीजिए, पैरालिसिस से चंगाई दीजिए, इनके शरीर के सारे अंग सामान्य रूप में काम करें, ये शांति और बल पाए और आपकी उपस्थिति को प्राप्त करें। Lord bless our dear brother Rajesh Austin and dear sister Kashmira and Mrs. Eliaben and Mr. Jovial, Mrs. Sheilaben and Mr. Cromwell. प्रभु हमारे प्यारे भाई राजेश ऑस्टिन और बहन कश्मीरा को आशीष दीजिए और मिसेस एलियाबेन, मिस्टर जोवियल, मिसेस शीलाबेन और मिस्टर क्रॉमवेल को आशीष दीजिए। And their darling grandchildren, Reni, Richi, Rachel, give them wonderful life partners, Lord. और इनके नाती पोती को आशीष दीजिए, रेनी, रिची, रेचल, इन्हें अद्भुत जीवन साथी देकर आशीषित कीजिए प्रभु। And Dr. Roma and family, Kinjal and family, Yanan family, be blessed in double measure in Jesus' name. Amen. और डॉक्टर रोमा और परिवार, किंजल और परिवार, इन और परिवार दुगनी आशीष पाए यीशु के नाम में, आमेन। God bless you. Mrs. Gloria Eka from Hazari Bagh, along with you I wish your beloved daughter Isha a happy birthday. Mrs. Gloria Eka Hazari Bagh से आपके साथ आपकी प्यारी बेटी ईशा को जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। Isha, God bless you according to Psalm 34:5. Those who look to him are radiant, their faces are never covered with shame. ईशा भजन संहिता 34:5 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे। जो प्रभु की ओर देखते हैं उनका चेहरा हमेशा तेजोमय होता है और वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। Lord bless Isha with great success in the 12th standard and have blessings in the higher studies. Bless Ayush Lakra with wisdom beyond understanding and good health. पिता ईशा को 12वीं में बड़ी सफलता दीजिए और आगे की पढ़ाई में आशीष दीजिए। आयुष लकरा को आशीष दीजिए, समझ से परे बुद्धि देकर अच्छी तंदुरुस्ती दीजिए। मिसेस ग्लोरिया एका, मिस्टर पैराडाइस लकरा, हैव ग्रेस टू कंप्लीट देयर हाउस लॉर्ड, बिल्ड इट लॉर्ड, माइटी गॉड, ब्लेस द जॉब, गिव देम फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स एंड जॉय इन द फैमिली, इन जीसस नेम, आमेन। मिसेस ग्लोरिया एका और मिस्टर पैराडाइस लकरा, इन पर अनुग्रह कीजिए कि इनके घर बनाने का काम पूरा हो। इनका घर बनाइए प्रभु। इन्हें आर्थिक आशीष दीजिए, पारिवारिक आशीष देकर आशीषित कीजिए, यीशु के नाम में, आमीन। God bless you.